अरे अग्गी जी, अग्गी जी, अरे कोई आ गया, कोई देखने का। अरे थोड़ी थोड़ी, छोड़ दे ना। यूं की बात से तेजी जी, पहले तो आप खुद ही मौके ढूंढते रहते थे हमारे को गले लगाने का, इब तो मेरी सगाई भी हो गई, फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? देखिए जी प्रज्ञा जी, बात ऐसी है ना कि मैं यहाँ पे डरता वरता किसी से नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे जो थोड़े बहुत जो बुजुर्ग है ना, उनका थोड़ा सा लिहाज कर लो। ओहो, तो क्या हो गया? ये कमरा तो आपका है ना, या कौन से बुजुर्ग आ रहे हैं? अच्छा प्रज्ञा जी, छोड़िए ना। अरे छोड़ी तो मैं ना छोड़ूंगी, कोई आ जाएगा, कोई बात ना। अरे तितली जी प्लीज, थोड़ा आराम से, कोई सुन लेगा, कोई आ गया ना फालतू का बवाल खड़ा हो जाएगा यहाँ पे, प्लीज। उड़ी रे उड़ी रे उड़ी उड़ी रे उड़ी रे उड़ी उड़ी रे उड़ी रे उड़ी तितली। बात सुन रे, पहली बात तो या हमारे नाम के पीछे नहीं जी हटा के सिर्फ तितली बोला कर, अटके तमाशा खड़ा होगा है, फिर तुम दोनों की सगाई हो चुकी से, और थोड़े दिन में थाडी शादी भी होने वाली से, और तुम दोनों अपने आप ने भगाड़ा समझा करो, तुम दोनों ने एक दूसरे का प्यार मिला। अरे मन देखो ना, मारा बापू कितने दिन तक जोड़ लगान लाग रहा था, पर मारा कुछ होता है ना, रोज कोई ना कोई छोरे वाला आवे से, कदे मैं छोरे ते ना मिलती तो कदे छोरे वाला मन इनकार करके चले जावे। अखिलेश जी कितना एक्साइटिंग है, पता है मैं बहुत छोटी थी जब मैं अहमदाबाद में मेले में गई थी, उसके बाद अब आ रही हूँ। चलिए चलिए। हाँ जैसे सबसे पहले मंदिर में दर्शन कर लेना। अरे मैं उनका कहा ऐसे ही नहीं टाल सकती, ऐसे भी बहुत झूठ बोल रही हूँ मैं उनको आजकल, अब जितना हो सके ना उतनी मैं उनकी बातें मानना चाहती हूँ, प्लीज। देखिए हीरा जी, आपकी आपकी भावनाएं अच्छी है, लेकिन मंदिर की दूरी तो देखिए आप, बहुत दूर है मंदिर। अरे मैं मैनेज कर लूंगी, मैं ठीक हूँ सच्ची, चलो। अरे कहाँ आप ठीक है, आप आपसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा हीरा जी। मैं चल लूंगी अखिलेश, चलो ना। अरे हीरा जी, ये दूरी है बहुत मंदिर की, आप ये क्या कर रहे हो? अरे हीरा जी, बूढ़े पैर पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कीजिए, कौन ऊंच नीच होगी तो कौन जिम्मेवार होगा, ये मंदिर की दूरी हम पार करवाते हैं, हम है ना, आप हम निश्चिंत रहिए और शांत रहिए, ठीक है? ठीक है,